Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel. And today we are going to cover important current affairs of Haryana State first and second week of April. So let's begin with the session but uh, before starting this session i would uh, tell you that abhimanyu already have launched this pcs hcs and hs state civil services batches so make sure you take the 7 days free trial also and uh, uh, the link of this particular courses uh, you'll be getting in the description so click on that particular link and uh, take the 7 days free trial get the access of all those lectures that are there for the next 7 days right so let's uh, begin with the first news सो टली वॉट हैपन की नॉर्दर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी ये पर्टिकुलर कमेटी की मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई है कहां पे गुरुग्राम के अंदर सो अ मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द गुरुग्राम टू फर्दर स्ट्रेंथन द पुलिस कोऑर्डिनेशन पुलिस कोऑर्डिनेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए फॉर द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के लिए सो दैट की क्राइम एंड अदर सीरियस इशूज को कम किया जा सके मतलब क्राइम को कम किया जा सके एंड बाकी जो सीरियस इशूज है उनके ऊपर डिस्क हो पाए इसीलिए गुरुग्राम के अंदर राइट चलिए सो दिस मीटिंग वॉज को चेड बायिश के जो कमिश्नर है राकेश्ताना uh, जी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल इन्होंने ये कोच uh, है कि जहाँ पे यू विल बी गेटिंग ऑल दी सीनियर्स फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स जो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ के जितने भी सीनियर्स हैं वो इस मीटिंग में uh, इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड यू नो दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग एंड इस मीटिंग के अंदर uh, बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस किया गया जिसमें प्राइमारली जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट इज टू एनहांस द इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन राइट इंटर स्टेट पुलिस कोर्डी को और ज्यादा बेटर स्ट्रेंथन करना, सो वी कैन डील विद विद द द क्राइम, वी कैन डील क्राइम इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया राइट सो यहां इंटर इंटरस्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन का मतलब है स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस के बीच में किस तरीके से और बेटर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगे सो दैट की अल्टीमेट जो क्राइम जो है उसको हम ज्यादा से ज़्यादा कब कर पाए खत्म कर पाए नॉर्दर्न इंडिया के अंदर राइट सो इन दिस इम्पॉर्टेंट मीटिंग एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ टेररिस्ट गैंगस्टर क्रिमिनल नेक्सस राइट और जो सेंसिटिव इशूज हैं लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सोशल मीडिया सर्विलियंस कैपेसिटी बिल्डिंग इन द एरिया ऑफ यूज ऑफ ड्रोन्स इन दी पुलिस एक्टिविटीज टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स इन द जेल डीटीसी इस सारे मैटर्स को जो है बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया एंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एक्सपीरियंसेस हैं जो भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है उनको शेयर करना विद दी, uh, विद पुलिस जो बाकी स्टेट्स की पुलिस है उनके साथ शेयर करना दिस वाज आल्सो इन दिस मीटिंग राइट चलिए सो नेक्स्ट न्यूज इज वचन पूर्ति मिशन वचन पूर्ति मिशन जो है ये रिसेंटली अनाउंस किया गया बाई हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इन्होंने अनाउंस किया ये ताकि टू गिव द राइट्स ऑफ लैंड राइट्स ऑफ लैंड परचेज़ बाई द फैमिलीज़ ऑफ कश्मीरी पंडित इन सेक्टर टू ऑफ बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी वन टू नाइनटीन नाइन्टी थ्री इसका मतलब बहुत सिंपल है कि नाइनटीन नाइन्टी वन से लेकर नाइनटीन नाइनटी थ्री तक सेक्टर टू बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिन भी कश्मीरी पंडित्स की फैमिलीज ने लैंड परचेज की थी उन लैंड के जो राइट्स हैं वो उनको दोबारा दिए जाएंगे अंडर दिस वचन पूर्ति मिशन वचन पूर्ति इस मिशन के तहत उनको दोबारा दिए जाएंगे राइट right? अब इसमें क्या है सो दिस इज द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट जो खट्टर uh, जी ने किसी स्टेट लेवल प्रोग्राम के अंदर अनाउंस किया uh, जहां पे ही हैंडेड ओवर

सो so, ये प्रॉमिस की गई थी कि आपका जो है आपके जो लैंड राइट्स है अगर आप एलिजिबल हैं अगर आप अगर आप, आप आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन होने के बाद आप सही पाए जाते हैं सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द लैंड राइट्स वेरी सून ठीक है तो ये प्रॉमिस की गई थी जिसको अभी फाइनली फुलफिल कर दिया गया है बाय द सी एम खट्टर ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्री परसेंट रिजर्वेशन इन द टोटल ग्रुप सी जॉब्स अंडर स्पोर्ट्स कोटा तो तीन प्रतिशत की रिजर्वेशन जो है टोटल ग्रुप सी जॉब्स के अंदर अंडर स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ये लाया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है दोबारा से थ्री परसेंट का रिजर्वेशन देने वाले हैं ग्रुप सी जॉब्स के लिए ठीक है किसकी कैटेगरी के अंदर स्पोर्ट्स कोटा की कैटेगरी के अंदर हु हैव परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंग इन दर्ट्स यू नो इन द रीसेंट पास राइट तो ये थ्री परसेंट स्पोर्ट्स कोटा जो है उनके लिए मिल रहा है और बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन जो अभी रिसेंटली लिया गया कि थ्री परसेंट रिजर्वेशन मिलेगी ग्रुप सी जॉब्स के अंदर तो अबाउट फोर हंड्रेड टू फोर फिफ्टी स्पोर्ट्स पर्सन जो है दे वी गेटिंग दिस जॉब एवरी ईयर राइट एंड प्लेयर्स के पास ये फ्रीडम भी होगी दे वी हैविंग द ऑप्शन ऑल्सो टू चूज देयर फेवरेट डिपार्टमेंट देयर फेवरेट डिपार्टमेंट फ्रॉफ द ग्रुप सी जॉब्स बाय द गवर्नमेंट एंड देल बी गिवेन द रिलेक्सेशन ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ देयर प्रायरिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायरिटी एंड दे कैन बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑप्शन राइट right, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऑप्शन भी रहेगा कि वो अपनी मनपसंद का डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं सो दैट कि उनका जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा वहाँ एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी सो so, ये ऑप्शन भी इनको दिया गया है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोर्टल ऑफ चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च ठीक है सो चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का जो पोर्टल है वो वो अभी रिसेंटली लॉन्च हो चुका है हरियाणा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है जे पी दलाल ही लॉन्च दिस पोर्टल ठीक है बाय द नेम मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम अब इसके अंदर है क्या चीज़ें वो देख लेते हैं हम लोग लेट्स टॉक अबाउट वट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन दिस इन दिस पोर्टल सो इस स्कीम के तहत होगा क्या कि फार्मर्स जो हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा फॉर द डैमेज कॉज टू देर क्रॉप्स ड्यू टू एडवर्स वेदर एंड नैचुरल कैलोमिटीज सो नेचुरल कैलोमिटीज और वेदर खराब होने की वजह से बहुत सारे किसानों का जो डैमेज uh, है वो बहुत ज़्यादा जो क्रॉप है वो फेलियर हो जाता है डैमेज होता है वही डैमेज को कॉम्पनसेट करेगा ये पर्टिकुलर स्कीम राइट इसके अलावा एडवर्स वेदर फैक्टर्स एंड नेचुरल कैलोमिटीज सच एज हेल स्ट्राम टेम्परेचर फ्रॉस वाटर फैक्टर्स ठीक है स्ट्राम्स एंड फायर विच कैन कॉज लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप डैमेज इस प्लान के अंदर इंक्लूडेड है नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की 21 वन क्रॉप्स जो हैं दे आर कवर्ड अंडर द स्कीम ट्वेंटी वन क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम विच इंक्लूड्स फोर्टीन वेजिटेबल्स ठीक है चौदह वेजिटेबल्स की स्कीम चीजें हैं वेजिटेबल्स कवर हैं दो स्पाइसेस कवर हैं राइट एंड फाइव जो है वो फ्रूट्स क्रॉप्स कवर्ड है ठीक है सो so, क्लियर हो गया सो so, आप इसको याद रखिएगा कि किस किस चीज के अंदर जो है ये कवरेज आपको मिलने वाला है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ये दो स्पाइसेस एंड फाइव फ्रूट्स जो है यू हैव टू कवर इट ठीक है आपको यह याद रखना पड़ेगा सो so दैट कि आपके एग्जामिनर जो है जब भी सवाल इसमें से डाले कैसे भी डाले बट आपको आता हो क्योंकि आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको दो स्पाइसेस और पांच फ्रूट्स का पता हो राइट चलिए अब देखिए दिस स्कीम विल आल्सो ऑप्शनल फॉर हु आर रजिस्टर्ड अंडर मेरी फसल मेरा ब्योरा स्कीम ठीक है तो ये उनके लिए ऑप्शनल है वो चाहे ले सकते हैं बेनिफिट नहीं ले सकते हैं इट्स ऑल अप टू देम दिस इज ऑप्शनल फॉर ऑल दो फार्मर्स जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इंश्योर uh, है राइट right? चलिए अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में दैट इज इथोपियन इन्वेस्टमेंट कमीशन दे हैव साइंड द कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद द हरियाणा ठीक है इथोपियन इन्वेस्टमेंट कमीशन ने साइन किया है ईआईसी ने वी कॉल इट एज इथोपियन इन्वेस्टमेंट कमीशन एंड हरियाणा ठीक है दे दे uh, uh, एक दो दिन की मीटिंग थी जो रिसेंटली हुई है एंड दिस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज बाय स्टेट फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट कहाँ पे हुई ये गुड़गांव एंड चंडीगढ़ में ये मीटिंग हेल्ड हुई है और इसमें क्या है द फ्रेमवर्क इट इज फॉर देशन कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड इथोपिया वॉज साइंड ऑन दिस ओकेजन राइट चलिए इसमें है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इस मीटिंग के अंदर एक फ्रेमवर्क जो है वो कॉपोशन का साइन किया गया बाय दी स्टेट ऑफ हरियाणा एंड ईआईसी इथोपिया के जो इथोपिया uh, की तरफ से इट वाज साइंड इट वाज साइंड बाय योगेंद्र चौधरी जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन हरियाणा एंड टिजीता मुलुगीटा एम्बेजर जो हैं वो इथोपिया के हैं सो so, इन दोनों पर्सनालिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है हरियाणा एज वेल एज ईआईसी को दोनों के बीच में ये कॉपरेशन साइन हुआ और इस कॉपरेशन फ्रेमवर्क के तहत जो है वो चीज़ें आगे स्टेप्स लिए जाएंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसको साइन करने का यही है इस मीटिंग का यही है दैट इज़ टू स्ट्रेंथन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ हरियाणा एंड इथोपिया राइट चलिए नेक्स्ट इज़ हरियाणा दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हरियाणा वन ऑफ द टॉप थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं कंट्री के अंदर ठीक है टॉप थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में हरियाणा आता है अभी इसके बारे में देख लेते हैं किस कैटेगरी में ये आती है चीज़ दैट इज़ एडिशनल अडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है हरियाणा के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिस्टर ए के सिंह ठीक है इन्होंने स्टेट किया है इन्होंने बोला है कि हरियाणा हैज़ कंप्लीटेड द टारगेट किसका टारगेट टारगेट ऑफ हर घर नल से जल मिशन तो इस टारगेट को हरियाणा ने कंप्लीट कर लिया है इस अचीवमेंट विद दिस अचीवमेंट हरियाणा हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन दिस मिशन ठीक है हरियाणा ने रैंक uh, किया है अमंग द टॉप थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन दिस मिशन राइट चलिए की पॉइंट्स क्या क्या है ऑल दो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सेट अ टारगेट टू अचीव दिस गोल बाय 2024 राइट बट बिकॉज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे एफर्ट्स uh, की वजह से इस गोल को ऑलरेडी दो साल पहले स्केड्यूल टाइम वॉज 2024 बट इस दो साल पहले ही इसको अचीव कर लिया गया है ठीक है ये जो मिशन था ये मिशन था इट वॉज अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ऑगस्ट 2019 टू इंप्रूव द लाइव ऑफ पीपल बाय इंश्योरिंग क्लीन वाटर फ्रॉम द टैप टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री ठीक है, है, so, के अंदर tap water जो है, उसके लोगों को clean water मिले, ये एक शुरू शुरू किया गया था, की गई थी 2019 हर स्टेट ने अपना जो है uh, टारगेट रखा था कि 2024 तक हम लोग जो है इस स्कीम के थ्रू जो है uh, पूरा कंप्लीट कर लेंगे लोगों को प्रॉपर जो है क्लीन वाटर टैप वाटर मिल पाए लेकिन हरियाणा ने क्या किया है दो साल पहले ही इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि आ, ये जो जल जीवन मिशन है हरियाणा के अंदर ये लॉन्च हुआ ऑब्वियसली 2019 में ही लॉन्च हुआ और उस टाइम पे 17.66 लाख कनेक्शंस जो थे आउट ऑफ 30.96 लाख कनेक्शंस ऑलरेडी स्टेट के अंदर थे प्रोवाइडेड थे हरियाणा ने 100% परसेंट कवरेज ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस ये अचीव कर ली थी कब नवंबर वन फर्स्ट 2021 को ठीक है इन 18 डिस्ट्रिक्ट में तो 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हरियाणा ने 2021 नवंबर 1st फर्स्ट में 100% परसेंट कवरेज ऑफ टैप वाटर कर लिया था एक्सेप्ट फ्यू डिस्ट्रिक्ट जिसमें थे महेंद्रगढ़ पलवल नू जिंद ठीक है तो ये चार डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे अभी भी ये हंड्रेड परसेंट टैप वाटर कनेक्शन नहीं था कवरेज नहीं था सो so, क्या किया गया uh, आगे इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी वो जो गैप था उसको फुलफिल कर दिया गया उसको भर दिया गया और वहां पर भी 1.41 लाख टैप कनेक्शंस जो है उसमें प्रोवाइड कर दिए गए जिससे कि स्टेट ने क्या किया एक रिकॉर्ड बना लिया बाय प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शंस टू हंड्रेड परसेंट हाउस राइट ठीक है ओके okay. नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हरियाणा हरियाणा एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जेपी दलाल ही लॉन्च दिस मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फॉर व्हाट

स्टेट के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं जो इस योजना के तहत बेनिफिट उठा रहे हैं उनकी कोई भी कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी कंप्लेंट uh, है कोई भी ग्रिफ्रांसिस है उसके रीड्रेसल के लिए जे पी दलाल दलाल साहब ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है ठीक है तो इस पोर्टल में क्या होने वाला है देख लेते हैं इस पोर्टल के थ्रू फार्मर्स कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी वेयर दे कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट फ्रॉम एनी वेयर ठीक है उनको क्या है जैसे वंस दे रजिस्टर द कंप्लेन उनको क्या मिल जाएगा एक टिकट नंबर मिल जाएगा जहां से उनको अपने स्टेटस का पता चल जाएगा कंप्लेन की लेटेस्ट स्टेटस का पता चल जाएगा कि उनकी कंप्लेन कहां तक पहुंची है अंडरस्टूड हो गया तो दिस इज वॉट इट इज राइट सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास वी हैव कंप्लीटेड द वीक two weeks so make sure that you hit the bell icon of this uh, channel and doubt uh, query hai so you can directly comment in the comment section also and uh, wish you all the very best of luck thank you